महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी, सरकार बनने पर होगी जातीय जनगणना, आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने का वादा किया। महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया, सरकार बनने पर महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की गारंटी। महाविकास अघाड़ी के वादे पर एकनाथ शिंदे ने उठाए सवाल, बोले वो वादे के नाम पर झूठ बोलते हैं, एमवीए को बताया झूठा और धोखेबाज। महाराष्ट्र में सीएम योगी का बड़ा बयान आया सामने, बोले जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है तो जो पसंद है वही जाए, त्रेता युग में जब बजरंग बली रहे होंगे तब इस्लाम नाम की वस्तु ही नहीं रही होगी। महाराष्ट्र में भी सीएम योगी ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, बोले जनजाति लोगों को आरक्षण से वंचित करने के लिए कांग्रेस ने रची थी साजिश। राहुल गांधी ने बीजेपी की नीति पर उठाए सवाल, बीजेपी की नीतियों से रोजगार खत्म होने का आरोप लगाया, बीजेपी ने छोटे रोजगार को खत्म कर दिया। नागपुर में राहुल गांधी की रैली पर बीजेपी का बड़ा दावा, राहुल गांधी ने जिस संविधान की किताब को दिखाया वो किताब के अंदर कोरे पन्ने थे। महाविकास अघाड़ी में बागियों को लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी पे निशाने साधे, बोले महाविकास अघाड़ी में सब एक है, बागी एनडीए में है। एमआईएम उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी की धमकी पर नितेश राणे का पलटवार, नितेश राणे ने दी चेतावनी, एमआईएम को बताया पाकिस्तान और तालिबान का एजेंट। सीएम योगी के बयान को लेकर गीता जैन ने दी है सफाई, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए, सीएम योगी की तारीफ की गई है। Zee News.